आज का हम वीडियो पे बात करने वाले हैं किस तरीके से हम इंटीजर लेकर उसे इनपुट देते हैं और रिटर्न करते हैं एक नंबर ऑफ बिट्स में, जो कि इक्वल होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन उस नंबर का। चलो ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने का। ये एक कोड वार का प्रॉब्लम है, तो इसी को मैं सॉल्व करके आज तुमको दिखाऊँगा किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, जिसमें ये जो एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को ये सम अप करके एक इंटीजर वैल्यू थ्रो करेगा। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ आज मैं किस अप्रोच का यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड और मैच मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसे तुम्हें बताऊँगा किस तरीके से ये दोनों वर्क करता है, उसके बाद ही हम इस सॉल्यूशन पे आएंगे। इसके सॉल्यूशन किस तरीके से वर्क करेगा इन दोनों मेथड को यूज़ करके हम तुमको बताएंगे। तो वीडियो एंड तक देख सकते हो और मैं बता सकता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। वीडियो एंड तक देख लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा किस तरीके से टू स्ट्रिंग मेथड और मैच मेथड का यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके लिए तुम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प ले सकते हो। मैंने W3 स्कूल का हेल्प लिया है ताकि तुमको मैं बता पाऊँ किस तरीके से ये वर्क करता है। तुम MDN डॉक्यूमेंटेशन का भी फॉलोअप कर सकते हो, बहुत बेहतर रहता है उसका डॉक्यूमेंटेशन। तो डेवलपर तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना चाहिए। एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसका नाम होगा एन और उसमें हम स्टोर करेंगे हेलो, ताकि हम इसे टू स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करके देखें। टू स्ट्रिंग मेथड बेसिकली कुछ भी नहीं करता, एक स्ट्रिंग को एज अ स्ट्रिंग ही रिप्रेजेंट करता है और ये कोई भी ओरिजिनल स्ट्रिंग में ये कोई फेरबदल नहीं करता है, एक न्यू स्ट्रिंग ये रिटर्न करता है। दूसरा, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। देख सकते हो हम डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ कर रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन एंड यूजेज में आते हैं तो मेथड रिटर्न्स स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग, जैसे कि मैं तुम्हें बताया था, और ये कोई भी चेंजेस नहीं करता ओरिजिनल स्ट्रिंग में, और ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हम इसको ही यूज़ करके आगे जो वीडियो में हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। मैच मेथड का भी यूज़ होगा। रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं हमको क्या दिखता है स्क्रीन पे। आउटपुट कंसोल पे देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो बेसिकली एक सिंपल स्ट्रिंग ही होगा एन, जो हेलो लिया था वही हमको कंसोल में देखने को मिलेगा। देखो कंसोल में हमको हेलो ही देखने को मिला है, क्योंकि ये एक सिंपल स्ट्रिंग ही है। स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही के जैसा रखता है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था उसका यूजेज और डेफिनेशन में, जो कि हमको W3 स्कूल डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिला था। अगर हम टाइप ऑफ भी देखें तो टाइप ऑफ भी हमको स्ट्रिंग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की तरह ही रिटर्न करता है। दूसरा जो मैं तुमको एग्जांपल बताना चाहता हूँ वो है हम किस तरीके से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि देख पा रहे हो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है टू स्ट्रिंग मेथड। तो हम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद हम टू स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, और इसी तरीके से टाइप ऑफ चेक करेंगे कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था। तो जल्दी से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें हम स्टोर करेंगे जो भी हमारा स्ट्रिंग वैल्यू होगा हम स्टोर कर लेंगे। तो वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी ले सकते हो, मैंने भी एक वेरिएबल बना लिया है। तो वेरिएबल बनाने के बाद मैं इसमें स्ट्रिंग स्टोर करके उसको तुमको दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क करता है। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए तुम मुझे फॉलो अप भी कर सकते हो। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटैक्स जो है मैं तुमको बता देता हूँ किस तरीके से होगा। तो हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे इसमें, ताकि हम एक ऑब्जेक्ट बना पाए। वार एन इज इक्वल टू वार्स str ले लेते हैं, छोड़ो, वार str1 इज इक्वल टू, या फिर str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हो या फिर स्ट्रिंग रखना चाहते हो इसमें तुम डाल सकते हो ब्रैकेट के अंदर। कंसोल लॉक करके देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट हम देख पाएंगे कि एक स्ट्रिंग ही आएगा, बट वो एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग होगा। ये कंसोल पे आउटपुट देखते हैं, जो कि हमने str वेरिएबल में एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका टाइप क्या होगा। तो टाइप देखने के लिए हमको टाइप ऑफ लिखना होगा। तो देख सा रहे हो तुम ऑब्जेक्ट है, जैसे कि तुम देख पा रहे हो अभी ऑब्जेक्ट था ही इसका टाइप, क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि न्यू कीवर्ड की मदद से हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया है। तो ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम इसको स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करके इसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंटेशन में ऑलरेडी देखा हुआ है कि टू स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता है। तो जल्दी से हम इसे टू स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करके देखते हैं कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम रिज़ल्ट स्टोर करेंगे, टू स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करेंगे str पे, ताकि ये रिज़ल्ट चेक कर पाए हम। तो
तुम अगर टाइप ऑफ चेक करोगे रिजल्ट का तो तुमको स्ट्रिंग देखने को मिलेगा। देख पा रहे अपने स्क्रीन पे स्ट्रिंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड ने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था तुम्हारा एक्सप्लेनेशन टू स्ट्रिंग मेथड के लिए। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए बात करेंगे मैच मेथड के बारे में। मेथड कंप्लीट हो गया तो अभी हम मैच मेथड के बारे में बात करेंगे। मैच मेथड का भी बहुत बढ़िया यूज़ है, बहुत आसान तरीके से प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई कर देता है। तो आज हम मैच मेथड के बारे में भी जान लेंगे इस वीडियो में। हम वेरिएबल str2 बनाएंगे जिसमें हम मैच फाउंड करेंगे कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन का तुम मैच फाइंड कर सकते हो मैच मेथड के हेल्प से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से हम मैच फाइंड कर सकते हैं, तो वीडियो एंड तक देख सकते हो। मैं बता देता हूँ मैच मेथड किस तरीके से वर्क करता है। डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली जान लेते हैं मैच मेथड करता क्या है। मैच करता है एक स्ट्रिंग अगेंस्ट ए रेगुलर एक्सप्रेशन, और ये एक एरे रिटर्न करता है जब मैच मिल जाता है, मैच्ड एरे। और दूसरा ये नल रिटर्न करता है अगर मैच नहीं मिलता है। तो हम चेक करते हैं कि मैच हमको मिलता है कि नहीं। तो हम मैच फाइंड करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम मैच स्टोर करके इसे कंसोल लॉक करेंगे। चेक करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है, जो स्पेसिफाई कर रहे हैं कंडीशन, वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं करेगा तो ये हमको नल रिटर्न करेगा। अगर मैच करेगा तो एक एरे रिटर्न करेगा जिसमें हम मैच एलिमेंट को देख पाएंगे। जैसे हमें कंसोल लॉक करना होगा तभी हम वैल्यूज़ देख पाएंगे, इसका जो मैच एरे होगा वो देख पाएंगे। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के वीडियोस के लिए तुम मेरे चैनल के लिए फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे अवेलेबल। तो मैच फाउंड क्या हमको रिटर्न कर रहा है, तो मैंने ईयर स्पेसिफाई किया था तो हमको इंडेक्स के साथ मिल जाता है। एक एरे रिटर्न किया है जिसमें हमको इंडेक्स भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कहाँ हमको ये मैच मिला है। हमने नॉर्मल स्ट्रिंग को मैच करवा दिया। अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करके देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन का किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट में, और मैच करवाया जा सकता है एक स्ट्रिंग के अगेंस्ट। तो चेक करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। तो तुम वीडियो को क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने मैच मेथड में। इसके लिए भी हमको सेम लिखना होगा, बट इस बार हम एक बैकस्लैश का यूज़ करेंगे, उसमें हम स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करेंगे, जो कि तुम देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे। ये सिंटैक्स रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करने का। अभी हमको एक आउटपुट एरे ही मिलेगा मैच्ड वैल्यूज़ के अगेंस्ट, और इंडेक्स मिलेगा जहाँ पे ये मैच हमको मिल रहा है। तो तुम कंसोल पे आउटपुट देख ही पाओगे कि हमको एक एरे मिलेगा साथ हमको इंडेक्स मिलेगा कहाँ ये मैच मिला है हमको। तो जल्दी से हम आउटपुट देखते हैं कि हमको आउटपुट मिल रहा है। सेम तुम देख पा रहे हो कि हमको ER का जो मैच है वो मिल गया एरे में, और इंडेक्स रिटर्न हो रहा है कहाँ पे हमको इंडेक्स मिला है। तो इस तरीके से हम रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट कर सकते हैं। बट तुम देख पा रहे हो कि स्ट्रिंग में ER दो बार है, बट ये एक ही बार हमको रिटर्न कर रहा है। अगर हमको ग्लोबली सर्च करना है पूरे स्ट्रिंग में कितने बार हमारे जो रिपीटेड वैल्यूज़ हैं या मैच हैं उनको, तो हमको एक G वैल्यू को यूज़ करना होगा हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में। G तुम डाल दोगे तो वो तुमको ग्लोबली सर्च करके दिखाएगा मैच जो भी मिल रहा है, तुम जो स्पेसिफाई कर रहे हो रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो इस तरीके से हम ग्लोबली भी सर्च कर सकते हैं कोई भी मैच एक स्ट्रिंग में। तो इस तरीके से हम सर्च करते हैं ग्लोबली जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन को। उसका हमको क्या आउटपुट देखने को मिलता है, हमको एक मैच्ड वैल्यूज़ मिलेगा जिसमें दो मैच्ड वैल्यूज़ रहेंगे, दो जो हमने स्पेसिफाई किया रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि हमारे स्ट्रिंग में वो दो बार हैं। तो हमको एक एरे मिलेगा जिसमें वो दो बार होंगे। तो तुम स्क्रीन पर देख ही पाओगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो तुम देख पा रहे हो कि मैंने अभी थोड़ा से यहाँ पे कुछ गलती हो गया, देख लेते हैं क्या गलती हुआ। तो चेक कर लेते हैं कुछ सिंटैक्स एरर तो नहीं है। तो अभी हम इसे आउटपुट करा के देखते हैं। देखो एक मैच वैल्यू दे रहा है हमको, दो मैच वैल्यू है क्योंकि दो ER है हमारे स्ट्रिंग में। ग्लोबली ये सर्च किया है तो दो ER इसको मिला है। तो एक एरे रिटर्न कर दिया जिसमें दो बार जो मैच वैल्यू मिला है वो रिटर्न कर दिया है उसको। तो यही था मैच वैल्यू का जो सारे सिंटैक्स या किस तरीके से मैच वैल्यू वर्क करता है मैच मेथड। तो अभी हम इसका लॉजिक समझ गए हैं टू स्ट्रिंग और मैच का, तब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोच सकते हैं। तो हम इजीयर हो जाता है अभी तुमको समझाना कि क्या मैं किस तरीके से किस अप्रोच का इस्तेमाल करूँगा इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो हमको क्या करना होगा, पहले टू स्ट्रिंग मेथड डालकर हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाने के बाद हम उसमें
वैल्यूज़ पास करेंगे जो भी हमको ज़रूरत है। तो फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम जो भी हम नाम रख सकते हो फंक्शन का, कुछ भी नाम रख सकते हो तुम अपने। मैंने माई फंक रखा है, तो तुम कुछ भी रख सकते हो अपना नाम फंक्शन का। उसमें एक एन वेरिएबल मैंने पास कर दिया है, ठीक है। तो इसको ही हमको रिटर्न करना है, रिटर्न वैल्यू। तो हम एक वेरिएबल रिज़ल्ट ले लेते हैं, रिज़ल्ट के अंदर हम स्टोर करेंगे जो भी हमारा स्ट्रिंग को हमको मैनिपुलेट करना होगा, उसको हम स्टोर करेंगे इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर। स्ट्रिंग मेथड अप्लाई करके देखते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड कंसोल लॉग करके देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है हमारा। तो हमको पता है कि एक ये स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही रखता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग को मैनिपुलेट नहीं करता है। तो वीडियो देख लेना, बहुत अच्छा है, और तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग में एकदम क्लियरली मैंने बताया है किस तरीके से क्लियरली सॉल्व होता है। तो 12 को 12 भी दिखाएगा तुमको, आउटपुट तुम देख पा रहे हो। तो 12 को हमको 12 भी देखने को मिलेगा, कोई भी इसमें मैनिपुलेशन नहीं है। तो हम चेक करते हैं, आप टू स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करके हम ऐसे स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही रख सकते हैं। तुमको पता ही है कि अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता हूँ, 12 का बाइनरी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देख रहे हो 12 का बाइनरी तुम कर सकते हो अगर तुम यहाँ 2 पुट कर दे रहे हो टू स्ट्रिंग मेथड का। तो ये तुमको बाइनरी भी कन्वर्ट करके दे रहा है। तो पहला अप्रोच हमारा सॉल्व हो गया, किस तरीके से हम बाइनरी निकाल सकते हैं कोई भी नंबर का। तो हमको ये मेथड बहुत यूज़फुल रहा है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए। अब हमारा बाइनरी निकल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम अप्रोच करेंगे मैच मेथड का। मैच करने के बाद हमको सारे वन को मैच करना है, सारे जितने भी वन हैं हमारे होल स्ट्रिंग में ग्लोबली उनको मैच करना है। तो ग्लोबल मैच करने से हमको सारे वन मिल जाएंगे, जिसकी मदद से हम उसको इंटीजर वैल्यू में रिटर्न कर सकेंगे। जितने भी है उनका लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस वेरिएबल में हमको 2 मैच मिला है जो कि है 1 और 1। तो इसका लेंथ हम रिटर्न कर देते हैं, तो हमको हमको जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम भी है जो मैं डिस्कस करूँगा। अगर तुम लेंथ लगा देते हो तो तुमको लेंथ देखने को मिलता है 2, जो हमारा क्वेश्चन था वो इसको सॉल्व कर दे रहा है, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर तुम एक इंटीजर वैल्यू पास करते हो तो तुमको ये करेक्ट इंटीजर वैल्यू लेंथ रिटर्न करता है। अगर तुम एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हो तो तुमको क्या देखने को मिलता है, हम देखते हैं क्या देखने को मिलता है। अगर हम एक स्ट्रिंग पास करें तो हमको फेल नहीं होना है, तो हम देख पा रहे हो कि एक नल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल, तो ये नल हो जा रहा है। तो इसको हमको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस इसको हमको एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर रख देना है। जब भी कोई इंटीजर वैल्यू तुम पास करते हो तब ये इसका लेंथ रिटर्न करेंगे, अगर वैल्यू नल है तो हम 0 रिटर्न करेंगे। जैसे कि तुम देख पा रहे हो स्ट्रिंग जो भी तुम पास करते हो तो उसका वैल्यू नल आता है, तो तब हमको क्या करना होगा, 0 रिटर्न करना होगा। अगर ये नल वैल्यू नहीं हो रहा है इसका जो मैच है, तभी हमको उसका लेंथ रिटर्न करना है, तभी हमारा जो आउटपुट होगा वो करेक्ट होगा। तो जल्दी से हम इसको टर्नरी ऑपरेटर के अंदर स्टोर कर देते हैं। देखना, ट्रू वैल्यू के लिए हम इसका लेंथ रिटर्न करेंगे और फॉल्स वैल्यू के लिए हम इसको 0 रिटर्न करेंगे। तो ये था हमारा कोड वॉर का जो चैलेंज था, उसको हम इसने प्रोग्राम में सॉल्व कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये अप्रोच तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसे तुम्हें बहुत क्लियरली समझाया। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है फिर भी, तो तुम कमेंट लिख सकते हो, मैं इसे और भी डिटेल में तुम्हें समझा सकता हूँ। तो आप ये क्लियरली वर्क कर रहा है, तुम जो भी इसे आउटपुट दोगे तो क्लियरली वर्क कर रहा है। एक स्ट्रिंग के लिए 0 रिटर्न कर रहा है और एक इंटीजर वैल्यू के लिए एक लेंथ रिटर्न कर रहा है उसका। तो ये प्रोग्राम क्लियरली